इंदिर बाबुलक जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग वो छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि हर्षदीप जो 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्सिंग हो रही थी जो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या जवाब दो इसका मैं भाई, अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार, सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, यू नो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है। एक आम आदमी की आवाज तो हो सकती है जो थड़े पे बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ तख्त पे बैठा हुआ है, चाय के होटल पे बैठा हुआ है, ये इंतजाम में आपको लगता है कोई सीरियसनेस है इस स्टेटमेंट में कि वाकई अर्शदीप ने बॉल को, जितना भी तौसीफ भाई ने कहा कि सीम और स्विंग में तो बड़ा फर्क है, और ये बात इंतजाम तो ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा? जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है, आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो नाखून भी गया ना बॉल पे, नाखून भी गया वो भी पकड़ रहा है अब तो कैमरा, अब इतना ईजी नहीं है तो फिर इंतजाम हुलक ने कैसे इल्जाम लगा दिया, या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो। रोहित शर्मा ने बोला कि ये ड्राई कंडीशन है, सब टीम का हो रहा है, सिर्फ हमारा नहीं हो रहा, सब टीम का हो रहा है, उन्होंने ये बात की, और उन्होंने बोला कि थोड़ा दिमाग खोलो और देखो कि कंडीशन यहां पे कैसी है, कि कैसे यहां पर बॉल जो है वो फिर रहा है। मैं मुझे सिवाय हंसी के इसके ऊपर कुछ नहीं है, और साथ में लोकमा देने के लिए सलीम भाई को बिठाया हुआ है, वो भी पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं। अर्शदीप एक बच्चा है आईसीसी के कंधे पे रख के बगैर एविडेंस के, और जिस हुलिये में इंजी भाई आजकल हैं, ठीक है आप पे सूट नहीं करता, आप शुभात पैदा करें, आपके पास अगर ठोस बात नहीं है, जो कि मैं नहीं समझता कि नहीं हो, आजकल के जमाने में कैमरे शैमरे ये वो किसी को पता ना लगे और बॉल टेम्परिंग हो जाए, प्रैक्टिकल है जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उसपे, तो उसपे तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, जब से इंजमाम ने अर्शदीप पर झूठा इल्जाम लगा है कि उसने बॉल से छेड़खानी की थी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, तब से पाकिस्तान के लोग ही पिल रहे उस मोटे को, वो कह रहे हैं तू इतना बड़ा प्लेयर था अपने जमाने का, कम से कम बात तो ढंग की किया। और जब रोहित से ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, तो रोहित ने सीधा बोल दिया कि थोड़ा दिमाग खोल के बात करनी चाहिए उसको, उसको इतनी भी अकल नहीं है कि गर्मी में बॉल स्विंग होता है, बॉल पिच ड्राई रहती है। इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि रोहित ने ऐसा कैसे बोल दिया इंजमाम को, वो कह रहे हैं कि इंजमाम को ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी स्टार्टिंग में, कि उसको ये बातें सुननी पड़ती, क्योंकि इंजमाम बहुत सीनियर प्लेयर है और एक अच्छा प्लेयर था अपने जमाने का, उसको ऐसी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। तो रोहित ने जो बोला बिल्कुल खुला बोल दिया मुंबई स्टाइल में। दोस्तों असल बात तो यह है कि पाकिस्तान के लोगों को, वहां के प्लेयर्स को भारत की जीत हजम नहीं होती, वो सोचते हैं कि भारत जीत कैसे रहा सारे मैच और हम बाहर हो गए, तो इसलिए ये लोग सदमे में है तब से, कुछ भी बोले जा रहे हैं तब से, क्योंकि इनकी टीम तो खेल ही नहीं रही, तो कुछ तो बोल रही है टीआरपी के लिए ताकि व्यूज आए, चैनल की रेटिंग हाई हो, क्योंकि इंडिया की व्यूअरशिप है ना बहुत ज्यादा है, तो वो सोचते हैं कि कैसे व्यूअरशिप लें और कैसे हमारे पैसे कमाए यूट्यूब से। पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए जिसमें कोई सबूत ना हो, पाकिस्तान की पहले तो कोई इज्जत है नहीं, और ऐसे बयान से उनकी जो बच्चे कुछ इज्जत है वो भी चली जाती है। ये बातें फिर क्यों उठकर सामने आती हैं कि जब कोई टीम अच्छा खेल रही है तो आप उसको प्रेस क्यों नहीं करते, एडमायर उसको क्यों नहीं करते, क्यों उसमें पंचाखे निकालते हैं, कभी चिप लगी हुई है, कभी बॉल टेम्परिंग की हुई है, क्या मुश्किल है अगर किसी की तारीफ कर दें? नहीं, वो चिप वाला केस तो बहुत ही अजीब भोंडा केस था, मतलब बच्चा बच्चा ही रहा, जिसने बच्चा क्या मतलब यंगेस्ट क्रिकेटर है ना सर, वो भी तो एज में भी तो फर्क था ही ना उसी वजह से, लेकिन बारह मैंने मिला था वो, मैंने उसको कहा क्या तुम कर रहे हो यार, ये कौन सी चिप, क्या चिप यार वो, लेकिन वो कायम है अपने स्टेटमेंट पे, अभी भी कहते हैं वो सर अल्ली वली यार बयान दे के एटलीस्ट कम अज कम पाकिस्तान खेल गए उसके बाद थोड़ा सा बयान को वो रखना चाहिए। बॉल टेम्पर हुई है, बॉल टेम्परिंग का मैं मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा सच कोई अच्छी जवान है, ऐसा एक, एक अपना, वो अपना उसके व्यूज होंगे, सामने सलीम मलिक भी बैठे थे, देखें अंदाजा यार पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या नहीं होता रहा यार, आप मुझे बताएं, स्लिप में गई गेंद वहाँ से एक साहब ने ली, उधर से चलते हुए जब बॉलर के पास गई तो खड़क, वो टाइम की बात बता रहा हूँ। लो ये इन्हीं लोगों ने जो हमारे बिग गन्स हैं फास्ट बॉलर, इन्होंने ही बाद में आके ये बताया कि जी हम ये करते थे, हम डिबरी मारते थे, सीम उठा दो, किसी को क्या पता था। फिर भाई ये इंजमाम ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि अब आप तो एक आम आदमी की बात करते हैं, आप तो आवामी आवाज़ हैं, ये एक आम आदमी की आवाज़ तो हो सकती है जो थड़े पे बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ तख्त पे बैठा हुआ है, चाय के होटल पे बैठा हुआ है, ये इंजमाम ने आपको लगता है कोई सीरियसनेस है इस स्टेटमेंट में कि वाकई अर्शदीप ने बॉल को, जितना भी तौसीफ भाई ने कहा कि सीम और स्विंग में तो बड़ा फ़र्क है, और ये बात इंजमाम तो ज़्यादा अच्छा कौन जानता होगा? अली मनफी जज्बात उभारने वाली बात की है इंजमाम उल हक ने, और डिस्करेज किया है, असल में तो अर्शदीप को डिस्करेज किया है। और ये बात करें ना अपनी टीम के ऊपर यार, पाकिस्तान की टीम गई थी वहाँ पर, ठीक है उस पर बात करें, पाकिस्तान की क्रिकेट को ग्रो करने की बात करें, आपने पैसे बढ़वाए थे, बच्चों के पैसे काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करें। लोग तो टेम्पर बॉल कर रहे हैं, हमारा तो पूरा पूरा कोच गायब हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ बात सीधी सी ये अली के, यार अगर आप पाकिस्तान का ब्लेज़र पहनने के बाद ये माइंडसेट रखते हैं कि एक आम आदमी की तरह आप बात कर लें किसी भी नेशनल टीवी पे बैठकर और वो आग की तरह फैल जाए, तो ये डिजिटल जो लोग हैं ना ये बड़ा ट्रॉल करना चाहते हैं। जी भाई आप पाकिस्तान की शान है, आपने पाकिस्तान को अच्छा, सिर्फ एक बात बता दूँ, मैं मुझे सिवाय हंसी के इसके ऊपर कुछ नहीं है, और साथ में लोकमा देने के लिए सलीम भाई को बिठाया हुआ है, वो भी पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं।
अर्शदीप एक बच्चा है आईसीसी के कंधे पे रख के बगैर एविडेंस के, और जिस हुलिये में इंजी भाई आजकल हैं, ठीक है, आप पे सूट नहीं करता, आप शुभात पैदा करें, आपके पास अगर ठोस बात नहीं है, जो कि मैं नहीं समझता कि नहीं हो, आपने डिस्करेज किया है उन फैंस को, डिस्करेज किया है कि आप अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सके। हमने आज भी एक शो में कहा था कि उमर गुल का 90 ओवर में रिवर्स हो गया था 2009 में, ये आपको याद नहीं होगा, और मैं कितने इंसिडेंट आपको बता दूं इंजी भाई, कम से कम आप क्रिकेट की आप क्रिकेट की वो बात करें जो दोनों तरफ पसंद की जाए, थोड़ा सा दूरी पौंकी जैसे लोग कर देते हैं बिल्कुल ही। इफे भाई ये बताएं कि ठीक है, जिस तरह इंजमाउल ने ये कहा कि यार 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग होने ने एलिगेशन लगा दिया, ब्लेम कर दिया, फिर लोगों को फिर वो भी याद आ जाएगा ना कि अब आप मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, आप क्रीज से बाहर निकल के खड़े हो गए, क्रिकेट है, पार्ट ऑफ द गेम है, तो क्या वो भी सस्पेक्ट है क्या? वो मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों को अगर नहीं पता वो क्या रिकमेंडेशन है जस्टिस कयूम की, तो आप रहने देना, उनको नहीं पता रहने दें, फिर लोग खकोड़ेंगे, खंगालेंगे, चीजें उठाई जाएंगी, फिर आप अच्छा नहीं लगेगा ना यार, क्या आपकी बात को जो है ना लोग मजाक बदंगड़ बना रहे हैं यार, आप लोगों से तवक्को थोड़ी है कोई है कि आप इस तरह की बात करें, चलती भी उड़ती भी बात है, हवा में तीर कुछ है ही नहीं। इंजी भाई का एक अच्छा सही है आपके ख्याल में, सही नहीं है? गलत है, गलत है, इसलिए गलत है कि आपको पता ओपन ग्राउंड है, सही है। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, ब्रीज फैक्टर आता है, और जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उसपे, तो उसमें तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। आजकल के जमाने में कैमरे शैमरे ये वो किसी को पता ना लगे और बॉल टेम्परिंग हो जाए प्रैक्टिकल है जनरली स्पीकिंग? बहुत ज्यादा चांस है, अच्छा मुमकिन है, अगर किसी को करना आती है तो हजार होती है बॉल टेम्परिंग। मेरे ख्याल से 60 कैमरे भी लगा देना तो भी वारदात डालने वाला डाल देगा, वारदात कोई भी नहीं पकड़ सकता। अच्छा, हर्षदीप सिंह का भी आर्ट था, उसको उसकी स्किल कह रहे हैं भाई की राय से आप भी एग्री नहीं करते, वो उनकी अपनी राय, मैं अपनी राय बता रहा हूं, हर्षदीप सिंह की अच्छी चीज है कि उसने उस प्रेशर पे आके बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की, और इस पे मैं नहीं समझता कि मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टैम्परिंग की होगी, फिर उन्होंने बॉलिंग की और अच्छे तरीके से, वो सिर्फ वन बाउंस जो हर कोई करता है उसको उन्होंने सिर्फ अपने बॉल को मेंटेन किया है बस। देखें पहले बॉल टैम्परिंग होती थी नाखूनों से, ये जो बोतल्स के ढक्कन होते हैं उससे होती थी, बोतल के ढक्कन से? जी जी, तो ग्राउंड में कैसे आता था बोतल का ढक्कन? सर होते थी ना, बस आपको बोलने तो मान ले, किसी फील्डर को देखे कि उसने कोई सनी प्लास्ट वगैरह इस टाइप का लगाया तो बस वारदात है। अच्छा मैं आपको एविडेंस दूंगा कि किस तरह बॉल टैम्परिंग हो रही है, वो आप देखिएगा कौन हमारा बॉलर, हमारा जी जी हमारा बॉलर किस तरह कर रहा है, क्योंकि इतना इजी नहीं है आपके वो इस तरह बॉल को आप टेम्पर कर सकें। अब जाहिर है शाहिद खान अफरीदी चबा वो खा गए थे बॉल, इजी भाई के दौर की खबरें सुनिए कि सुनते हैं कि कभी बॉल टेम्परिंग हुआ करती थी, लेकिन देखिए इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा था बॉल टेम्परिंग का, मुझे अच्छी तरह याद है, और लंदन की कोर्ट में लगा था कि और लगाया किसने था, इयान बॉथम ने लगाया था, एलन लैम ने लगाया था, तो वो ये कहकर जो है वो उस कोर्ट से फाते बन के निकले थे खान साहब, उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टेम्परिंग करता है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैम्परिंग करता है, क्योंकि छोटी मोटी टैम्पर आपके हाथ में पता नहीं चलती। लेकिन नसीम भाई अब जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है, आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो कहीं नाखून भी गया ना बॉल पे, नाखून भी गया वो भी पकड़ रहा है अब तो कैमरा। अब इतना ईजी नहीं है तो फिर इंजमाम हुलक ने कैसे इल्जाम लगा दिया, या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो? नहीं हो सकता है भाई, देखिए अगर इंडिया को वर्ल्ड टी20 में फेवर देने की कोशिश की जाती है कोई बॉल, माजी में कभी ऐसी भी स्टोरीज है मैंने अपने पुराने क्रिकेटर से सुना है, क्योंकि अंपायर को तो बॉल देते नहीं थे, बॉल लेके साथ में बाहर चले जाते थे, तो दूसरी बॉल लेके अंदर आ जाते थे, वो बॉल तो गायब हो जाती थी, वो जैसा भी उसके साथ काम किया।